हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की कड़ी में पांचवा भाग देखते हैं और देखते हैं इस भाग में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और उन प्रश्नों के क्या उत्तर हैं। देखते हैं गाय का वधकर्ता जहाक, जहाक अर्थात कसाई, किसकी रचना है? इसका विकल्प है अब्दुल समद, मीर सैयद अली, मीर हासिम, फारूक बेग। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर है मीर सैयद अली। मीर सैयद अली ने इस चित्र को बनाया था। अगला प्रश्न है अमीरताज एरगिल की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका विकल्प है आगरा, शिमला, लाहौर, गोरखपुर। तो यहाँ अमीरताज एरगिल की मृत्यु लाहौर में हुई थी। और प्रश्नों की कड़ी में आपका अगला प्रश्न है, बर्नियर ने किस शहर को भारत का एथेंस कहा है? 25 नंबर का क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिसमें विकल्प है पाटलिपुत्र, काशी, तंजौर, मदुरई। तो यहाँ बर्नियर ने काशी को कहा था, काशी जो बनारस के नाम से भी जाना जाता है, विश्व का सबसे प्राचीनतम शहर, जब से बसा है तब से कभी उजाड़ नहीं हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, पौराणिक आख्यानों के आधार पर भारतवर्ष में चित्रकला में का शुभारंभ किस ग्रंथ से माना जाता है? इसमें विकल्प है शिल्प रत्न, चित्रलक्षण, चित्रसूत्र और ऋग्वेद। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है वह है चित्रसूत्र। और अगला आपका प्रश्न है, अजंता में नीले रंग का प्रयोग पहली बार किस गुफा में हुआ? विकल्प है 16, 17, 10, 1। तो सबसे पहले नीले रंग का प्रयोग हुआ है आपके गुफा संख्या 16 में। ये गुफा संख्या 16 है जिसमें अजंता का सबसे उत्कृष्ट चित्र मणिदर्शन राजकुमारी बनी हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है हल्के पीले रंग से बना विशाल हाथी का चित्रण किस प्रागैतिहासिक स्थल में हुआ है? सिंघनपुर, रामगढ़, होशंगाबाद, बौतलदा। तो पीले रंग से जो हाथी बनाई गई है वो होशंगाबाद में बनाई गई है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, नाग शैली का प्रमुख केंद्र था? विकल्प है गोलकुंडा, मथुरा, उड़ीसा, बंगाल। तो नाग शैली का केंद्र बंगाल था और इसका उल्लेख लामा तारानाथ ने किया है। अगला प्रश्न है, मंदिर निर्माण शैली का स्वर्णयुग कहा जाता है? विकल्प है मौर्य वंश, गुप्त वंश, शक वंश, सातवाहन वंश। तो इसका उत्तर गुप्त वंश है, गुप्त वंश में ही मंदिर निर्माण कला की शुरुआत होती है। अगला प्रश्न है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसकी रचना है? तो यहाँ द मर्चेंट ऑफ वेनिस के विकल्प में दिया गया है अरस्तु, प्लेटो, शेक्सपियर और सुकरात। तो इसमें सुकरात के द्वारा लिखा गया था मर्चेंट ऑफ वेनिस, सॉरी शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था, विकल्प सही लगाया गया लेकिन नाम गलत बोल दिया गया। तो इसका उत्तर शेक्सपियर रहेगा। अगला प्रश्न है, किस रोमन सम्राट ने गोल्डन हाउस बनवाया था? विकल्प है नीरो, कॉन्स्टेंटाइन, टेरेंटियस, बीरियर। तो इसका सही उत्तर है नीरो। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा स्थान काला संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है?
विकल्प है काकरोली, मकराना, और भी दो विकल्प हम लोग देख लेते हैं। और एक विकल्प है मैसलाना, नारनोल। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो है मैसलाना, जो काली संगमरमर के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न है चित्रकला के जन्मदाता कौन हैं, जिसमें विकल्प दिया गया है जेतो, रेम्ब्रा, ट्यूशन, टिशियन, ड्यूरर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो रेम्ब्रा है। अगला प्रश्न है ईंटों से निर्मित भारत का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है। विकल्प है भीतरगांव का लक्ष्मण मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर, भुमरा का शिव मंदिर, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। इसका सही उत्तर है सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। हालांकि उत्तर भारत में ईंटों से निर्मित सबसे प्राचीन मंदिर भीतरगांव का लक्ष्मण मंदिर है, लेकिन अगर पूरे भारत में ईंटों से निर्मित सबसे प्राचीन मंदिर की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में स्थित है सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। अगला प्रश्न है विष्णु धर्मोत्तर पुराण के लेखक कौन हैं, भरत मुनि, नारायण मुनि, अभिनव गुप्त, पंडित यशोधर। तो इसके लेखक नारायण मुनि हैं, इनको मार्कंडेय मुनि भी कहा गया है। अगला प्रश्न है जोगीमारा गुफा के चित्रों की सीमा रेखाएं किस रंग से बनाया गया है। विकल्प है लाल, पीला, हरा और सफ़ेद। तो इसका उत्तर लाल है। अगला प्रश्न है पूर्व मध्यकाल में हिंदू धर्म से संबंधित मूर्तिकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण किस गुफा के मूर्तियों को माना जाता है। विकल्प है एलोरा, अजंता, एलिफेंटा, बादामी। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है एलिफेंटा। अगला प्रश्न है दिगंबर किस धर्म से संबंधित बताया गया है। तो ये दिगंबर जैन धर्म से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में सामान्यतः चित्र बनाने की परंपरा थी। विकल्प है कपड़े पर, सूती कपड़े पर, चमड़े पर, ताड़पत्र पर, रेशम पर। तो इसका जो उत्तर है वह चमड़ा है। अगला प्रश्न है संपूर्ण विश्व में तैल रंग का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य किस गुफा से मिला हुआ है। पिंडाल, लास्को, बामियान, ट्राइफेयर्स। तो इसका उत्तर बामियान है, जो अफगानिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है श्री चैतन्य का गृह त्याग नामक चित्र किस चित्रकार ने बनाया था। विकल्प है सत कुमार हलहर, जे एम अहिवासी, शारदा चरण उकील, क्षितेंद्रनाथ मजुमदार। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है वो क्षितेंद्रनाथ मजुमदार है। तो इस तरह से हम लोग इस कड़ी में इतना प्रश्न देखे, शेष प्रश्न अगले कड़ी में देखेंगे। धन्यवाद।